अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रहसन है। आज हम देखेंगे कि अंधेर नगरी का नाट्य शिल्प कैसा है, अथवा अंधेर नगरी के नाट्य शिल्प की विशेषताएं। तो यह प्रश्न परीक्षा में दो प्रकार से पूछा जाता है। अंधेर नगरी का नाट्य शिल्प पूछा जाएगा, या फिर यह पूछा जाएगा कि अंधेर नगरी के नाट्य शिल्प की क्या विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं नाट्य शिल्प से तात्पर्य क्या है। पहले यह देखते हैं, नाट्य शिल्प से तात्पर्य है किसी नाटक की कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, गीत या संगीत, बिंब एवं प्रतीक योजना तथा शीर्षक का सम्मिलित प्रभाव। मतलब नाटक के जितने भी तत्व होते हैं उनका सम्मिलित प्रभाव कैसा होता है, उन सब से मिलकर बनता है नाट्य शिल्प अथवा नाट्यकला। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक प्रहसन है। प्रहसन क्या होता है? प्रहसन मतलब एक ऐसा छोटा नाटक जिसमें हास्य और व्यंग की प्रधानता रहती है, उसे कहा जाता है प्रहसन। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे लिखा था सन 1881 में। यह सन 1881 ईस्वी में किसी जमींदार को लक्षित करके नेशनल थिएटर के लिए एक ही बैठक में लिखा गया। एक ही रात में भारतेंदु ने एक सामान्य लोकोक्ति अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा को इतना व्यंग्यात्मक, सारलौकिक और संज्ञात्मक अर्थ दे दिया। तो एक ही रात में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको लिखकर तैयार कर दिया था। उस समय एक लोकोक्ति प्रचलित थी, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो इसी लोकोक्ति को ध्यान में रखकर यह प्रहसन लिखा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, और कंटिन्यूअसली उन्होंने रात भर में लिख लिया। नेशनल थिएटर करके काशी अथवा वाराणसी में एक थिएटर हुआ करता था जो रंगमंच, तो उसके वो स्वयं भी आर्टिस्ट थे। और यह इतना प्रसिद्ध हुआ कि यह जो व्यंग्यात्मक जो प्रहसन है सारलौकिक, मतलब आज भी यह प्रासंगिक है और सृजनात्मक है, तो आज भी इसका मंचन किया जाता है। अंधेर नगरी का नाट्य शिल्प अत्यंत लचीला, सरल, आकर्षक और गत्यात्मक है, मतलब बहुत ही बेहतरीन है, और शुरू से अंत तक यह दर्शकों को बांध कर रखता है। यदि इसे रंगमंच पर ना भी प्रस्तुत किया जाए तब भी इसे पढ़ने में हमको उतना ही आनंद आता है। भारतेंदु ने इसमें किसी एक प्रकार के परंपरागत अथवा आधुनिक शिल्प का प्रयोग नहीं किया है। उस समय पारसी थिएटर, पारसी रंगमंच था, और आधुनिक शिल्प भी उस समय चालू हो गया था, आधुनिकता का दौर चालू हो गया था, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार के परंपरागत अथवा आधुनिक शिल्प का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि उन्होंने लोक नाट्य जैसे शिल्प विधि का इसमें प्रयोग किया है, बल्कि नाटक को रूढ़ियों से एक प्रचलित ढांचे से मुक्त किया। यह भारतेंदु की निरंतर नवीन ग्रहण वृत्ति और रचना वृत्ति को स्पष्ट करता है। तो उन्होंने जो पारसी रंगमंच है अथवा पारसी थिएटर था, पारंपरिक रंगमंच था, उससे उन्होंने कोई तत्व ग्रहण नहीं किया। प्राचीन रंगमंच थे, भारत का जो नाट्य शास्त्र था उससे भी कुछ ग्रहण नहीं किया, बल्कि इन्होंने लोक नाट्य जैसी शैली का प्रयोग करके इसे सर्वथा नवीन अर्थ दे दिया। अंधेर नगरी की पूरी कथा वस्तु 6 अंकों में विभाजित है। तो यह प्रश्न 6 अंकों में है, और इन अंकों में कोई दृश्य विधान रंगमंची प्रस्तुति के बिना भी इसे पढ़कर आनंद उठा सकते हैं। दृश्य विधान नहीं है इसमें, जैसे रंग संकेत वगैरह रहते हैं, तो इस टाइप का कोई दृश्य विधान नहीं रचा गया है। सीधा सीधे सरल शब्दों में इसको लिख दिया गया है, मतलब यदि इसे रंगमंच पर ना भी प्रस्तुत किया जाए तो पाठकों को भी उतना ही मजा आता है, उतना ही आनंद आता है जितना कि इसे मंच पर देखने में। इस नाटक में भारतेंदु की विशेषता उन अंकों या दृश्यों की कल्पना, उनके संयोजन और उनकी नाटकीयता में, मतलब उन्होंने अंकों या दृश्यों की कल्पना इतनी बेहतरीन तरीके से किया है, उनका संयोजन, सभी जो नाटक के जो प्रहसन के अलग अलग दृश्य हैं उनको उन्होंने इस तरह मिलाया है और इस तरह उन्हें नाटकीय बनाया है कि शुरू से अंत तक दर्शक अथवा श्रोता मंत्रमुग्ध रहते हैं। आप जानते हैं कि प्रायः श्रेष्ठ नाटककार ऐसे नाटकीय व्यंग्य को लेता है जिस पर पूरे नाटक का ढांचा खड़ा होता है। अंधेर नगरी में भी गहरी व्यंग्य मूलक नाटकीय स्थिति इस प्रश्न से जुड़ती है कि दीवार किसके कारण गिरी, क्या वह अपराध सिद्ध हुआ, क्या न्याय मिला, क्या अपराधी बस खोजा जाता रहा। मतलब वास्तव में यह व्यंग है, तत्कालीन परिस्थितियों पर यह व्यंग है कि किसी व्यक्ति की बकरी मर जाती है दीवार गिरने पर, तो फिर दीवार किसके कारण गिरी, क्या अपराध सिद्ध हुआ, क्या अपराधी को पकड़ लिया गया, या सिर्फ अपराधी को खोजा जाता रहा। मतलब तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उस समय न्याय मिल पाना बहुत ही मुश्किल था लोगों को, तो इसी का व्यंग मूलक नाटकीय स्थिति में उन्होंने इसका सृजन किया है। नाटकीय स्थिति की विशिष्टता और व्यंग्यात्मकता नाटक को प्रारंभ से अंत तक चुस्त और लयात्मक सौंदर्य से युक्त बनाए रखती है। मतलब शुरू से आखिरी तक इन्होंने व्यंग के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों पर तीखा प्रहार किया है, और यह शुरू से अंत तक
लोगों को बांध कर रखने में सफल है। तो यह इसके नाट्य शिल्प की सफलता है। इसका लचीला शिल्प, निचला लिखा हुआ लचीला है वास्तव में, इसका लचीला शिल्प है ना, इसको सुधार लीजिएगा, लचीला है ये शब्द लचीला। इसका लचीला शिल्प इसे यथार्थपरक भी बनाता है और शैलीबद्ध भी, हमेशा नए आस्वाद की संभावना का यह सदाबहार नाटक कहा जा सकता है। तो इसका नाट्य शिल्प इतना बेहतरीन है कि आज भी यह नाटक उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही अच्छा लगता है देखने सुनने और पढ़ने में। अंधेर नगरी के कथानक की बनावट में खुलापन और ताजगी है, मतलब यह आज भी प्रासंगिक है, इसलिए आज भी हमको पढ़कर और देखकर इसमें ताजगी महसूस होती है। इतना बेहतरीन कथानक है कि यह वर्तमान परिस्थितियों में भी यह उतना ही प्रासंगिक है जितना कि वह अपने समय में था, सन 1881 में। बाजार दृश्य और दरबार दृश्य इसके अमूल्य नाटकीय दृश्यत्वांक है, मतलब जो बाजार का दृश्य है जिसमें अलग अलग लोग सभी सामान बेचते रहते हैं, सभी चीजें वहां पर टके शेर मिलती है, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, और दरबार का जो दृश्य है, जो राजा का दरबार का जो दृश्य है, बहुत ही बेहतरीन बन पड़ा है। सत्ता की अंधव्यवस्था, विवेकहीनता, मूल्यहीनता का परिचय इन दो दृश्यों में मिलता है। तो उस समय जो सत्ता अंग्रेजों के शासन काल में था, तो उस समय की जो व्यवस्था थी ठीक वैसे ही व्यवस्था जमींदारी प्रथा भी थी कुछ जगह, तो अंधी व्यवस्था थी, विवेकहीनता, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता था, और मूल्यहीनता, कोई जीवन मूल्य नहीं रह गए थे। इन दृश्यों में बहुत ही बेहतरीन व्यंग के माध्यम से उन्होंने इसको इसको चित्रित किया है। बाजार का दृश्य पूरे देश के स्तर पर सस्तेपन, विकृति, आडंबर, अमानवीयता, शोषण और संवेदनहीनता को व्यक्त करता है। बाजार का दृश्य जिसमें अलग अलग व्यापारी लोग अलग अलग प्रकार की चीजें बेच रहे हैं, सभी टके से रहे, तो उसमें क्या है, उसमें जो व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, मतलब लोगों का जो गिरता हुआ स्तर था, जो सामाजिक विकृतियां थी, है ना, सती प्रथा वगैरह जैसे छुआछूत, भेदभाव, ये सब थे, आडंबर था, बहुत सारे आडंबर थे, अमानवीयता थी, लोगों में मानवीयता, मानवीय जीवन मूल्य नहीं रह गए थे, अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जाता था, कोई संवेदना नहीं रह गई थी लोगों के मन में, इसको व्यक्त करता है। जैसे चना जोर गरम बेचने वाले घासीराम के शब्दों में, चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते, तो यह भी एक व्यंग है। कुछ दिन सब्जी बेचते बेचते अंत में जब यह कह देती है कि ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, मतलब उस समय क्या है, लोगों में फूट था, लोगों में फूट पड़ा हुआ था आपस में, जातिगत आधार पर या फिर आर्थिक आधार पर, और कोई काले गोरे का भेद था, अंग्रेज लोग थे और आपस में बैर रखते थे लोग, अलग अलग राजा महाराजा थे जिनमें आपस में बैर भाव था जमींदार लोगों में, तो सारा सब्जी बाजार भी क्या है, व्यंग्यात्मक अर्थ में बदल जाता है। तो यह इसके नाट्य शिल्पी की खासियत है। पाचक वाले की पंक्तियों, महाजन, एडिटर, बनिए, नाटक वाले, पुलिस सब पर प्रहार करती है। जो पाचक वाले जो बेच रहे हैं पाचक, वो महाजन को भी, महाजन मतलब जो सूदखोर होते थे, जो ब्याज पर पैसा देते थे, एडिटर, एडिटर संपादक, बनिया, नाटक वाले, पुलिस सब पर प्रहार करती है, जो कल ब्रिटिश शासक तक ही सीमित नहीं है, और इन सब के बीच में भारतेंदु जात वाले ब्राह्मण को टके में जात बेचते दिखा देते हैं, तो सारी मूल्यहीनता और संवेदनशून्य स्थिति साकार हो जाती है। मतलब ब्राह्मणों का उस समय वर्चस्व था, और ब्राह्मण लोग जिसको चाहे उसे ऊंची जाति में बिठा दें, जिसको चाहे नीची जाति का बता दें, तो ये सारी जो सामाजिक बुराइयां थी कि जाति भी बिक रही थी लोगों की, तो ये सबको उन्होंने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने व्यंग के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। चौथा जो अंक है इस प्रहसन का, राजनीतिक कार्रवाइयों के खोखलेपन, राजनीतिक कार्रवाइयों के खोखलेपन और न्याय प्रक्रिया के अमानवीय रूप और आम आदमी की पीड़ा में उलझी स्थितियों को दिखाता था। उस समय अंग्रेजों के शासन काल में अथवा जमींदारों के शासन काल में जो न्याय प्रक्रिया थी उसकी स्थिति बहुत ही खराब थी। जो गरीब और लाचार लोग थे, जो हिंदुस्तानी लोग थे, उनके साथ बहुत ही अमानवीय रूप से पेश आते थे अंग्रेज लोग, और आम आदमी की पीड़ा का निराकरण करने वाला वहां पर कोई नहीं था। इसमें गति, क्रियाओं, लयों की अनंत संभावनाएं हैं। शिल्प का यह लचीलापन निर्देशकों को आकृष्ट करता है। तो उसमें जो लयबद्ध तरीके से उन्होंने लिखा है, बहुत सारी कविताओं का इसमें, गीतों का समावेश किया है, तो यह जो शिल्प है यह इतना लचीला है कि उस समय जितने बेहतरीन तरीके से इसे रंगमंच पर अभिनीत किया जा रहा था, उतनी खूबसूरती से आज भी निर्देशकों की यह पहली पसंद होती है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये इसको आज भी मंच पर इसका मंचन किया जाता है। अंधेर नगरी जैसे नाटक में पात्रों के चरित्र चित्रण की अलग से कोई आवश्यकता नहीं होती, अलग से किसी का चरित्र चित्रण करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे जरूरत होती गई स्वाभाविक रूप से पात्र मंच पर आते गए। इसमें यद्यपि कई पात्र हैं, लेकिन मुख्यतः महंत जो उनके गुरु थे, गोवर्धन दास, मंत्री और राजा, ये चार विशेष पात्र हैं, क्योंकि यही कथानक का आरंभ, विकास और अंत करते हैं। यही सत्ता लोलुपता, लोभ वृत्ति,
नीति उपदेश के प्रतीक हो जाते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन जो चार पात्र हैं, महंत हैं जो गुरु हैं इनके गोवर्धन दास के, और गोवर्धन दास जो उनका चेला है, मंत्री और राजा है, ये जो चार पात्र हैं यही बहुत ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे ही कथा शुरू होती है, इनसे कथा खत्म होती है। और ये सभी पात्र अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके प्रतीक बनकर उभरते हैं, जैसे सत्ता लोलुपता या लोभ वृत्ति या फिर नीति उपदेश, इसके प्रतीक बन जाते हैं। इन्हीं से नाटक की कथा और उसका लक्ष्य संप्रेषित हो जाता है। तो नाटक की जो कहानी और नाटक का जो लक्ष्य है, जो व्यंग है, जो प्रहसन है, इसे संप्रेषित हो जाता है। नाटकीय व्यापारों के चयन और संयोजन की कुशलता की दृष्टि से अंधेर नगरी विशिष्ट रचना है और पात्र उसी का अनिवार्य अंग है। मतलब जो नाटकीय व्यापार है, जो एक्शंस होते हैं, अलग अलग एक्शंस होते हैं, अलग अलग पात्रों के जो नाटकीय व्यापार होते हैं, तो इसका जिस प्रकार से उन्होंने दृश्यों का संयोजन किया है, उसकी कुशलता की दृष्टि से अंधेर नगरी एक विशिष्ट और खास रचना बन जाती है और सभी पात्र इस कथानक के अभिन्न अंग बनकर उभरते हैं। अंधेर नगरी के नाट्य शिल्पी की विशेषता उसमें अंतर्निहित लोक धर्मी चेतना है। लोक धर्मी चेतना मतलब जीवन से जुड़ाव, आम जनता से जुड़ाव, जैसे जो बाजार का दृश्य है अथवा राजा के दरबार का जो दृश्य है, तो इसमें लोक धर्मी चेतना है। लोक नाट्य की तरह इसे बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। उसका खुलापन, गायन, नृत्य, काव्य, समाज उच्चारण, भाषा, अभिनय शैली, गति, संचार, सब लोक नाटकों जैसा है। तो इसको उन्होंने लोक नाटक जैसी शैली का प्रयोग किया है उन्होंने अपने नाटक में। तो उसमें जो खुलापन है, कहीं भी उसको आप मंच पर से फिर या बाहर उसको चित्रित कर सकते हैं, अभिनीत कर सकते हैं। उसमें जो गायन है, जो नृत्य है, इसमें जो काव्य जैसी हमको अनुभूति होती है पढ़ते समय, अलग अलग पात्रों के संवाद, अलग अलग पात्रों के द्वारा दो संवाद बोले जाते हैं, जो डायलॉग्स होते हैं, कथोपकथन, उनका उच्चारण है, उनकी भाषा, उनकी शैली, ये सभी क्या है, लोक नाटक जैसे प्रतीत होते हैं, लोक नाटकों के जैसे हैं। चौथे अंक अथवा दृश्य को हम पूर्णतः स्वांग के रूप में देख सकते हैं। स्वांग भी क्या है, नाटक का एक रूप है जिसे हम तमाशा कहते हैं, मजाक का खेल। तो चौथा अंक हमको कैसा लगता है, जैसे हम स्वांग देख रहे हैं। संगीत, काव्य धुनों के प्रयोग में रचना के आवेग और उत्तेजना में आप इसे नौटंकी जैसा पाएंगे। जब हम इसके संगीतात्मकता को देखते हैं, अंधेर नगरी में जो जो गीत वगैरह आए हुए हैं उसका संगीतात्मक को हम देखते हैं, और काव्य का जो धुनों का प्रयोग उन्होंने किया है, तो उनसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे नौटंकी में जैसा प्रयोग किया जाता है। नौटंकी कहीं का लोक नृत्य हुआ है, लोक नाट्य। नाटक के संगठन में लचीलापन इतना है कि पात्रों के प्रवेश या प्रस्थान नाटककार की तरह नहीं, निर्देशक अपनी कल्पना अनुसार कर लेता है। तो इसमें रंग निर्देश करने की जरूरत नहीं है कब कौन सा नाटक कौन सा पात्र आएगा, कौन सा पात्र स्टेज से बाहर जाएगा, बल्कि नाटककार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो जो भी निर्देशक है अपनी कल्पना के अनुसार वे पात्रों को मंच पर लेकर आते हैं और मंच से गायब कर देते हैं। तो मतलब इन्होंने उनको बहुत छूट दी हुई है ताकि हर प्रकार के मंच पर हर प्रकार के निर्देशक के द्वारा इसे अभिनीत किया जा सके। जन समूह की चेतना और रुचि संस्कार का प्रभाव नाटक में, मतलब उस समय जो आम जनता की जो चेतना थी और आम जनता की जो रुचि थी, जो इस प्रकार के नाटक देखना चाहते थे, हास्य और प्रसंग से भरपूर, हास्य और व्यंग्य से भरपूर, इसका प्रभाव नाटक में दिखाई देता है। कार्य की जिस त्वरित गति को, बात कहने की सर्वथा मौलिक निजी शैली को भारतेंदु ने पकड़ा है, वही अंधेर नगरी को कालजयी रचना बनाता है। कालजयी रचना वह होती है जिस पर समय और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने समय में यह रचना जितनी प्रसिद्ध थी, जितनी प्रचलित थी और जितनी लोकप्रियता हासिल हुई थी, उतनी ही लोकप्रियता आज भी इसको प्राप्त है। इसलिए यह इस नाटक को, इस प्रहसन को, अंधेर नगरी को कालजयी बनाता है, क्योंकि जिस शैली में उन्होंने इस नाटक को लिखा है वह आज भी पाठकों के अथवा दर्शकों के मन को आंदोलित करती है। तो यह उनकी निजी शैली है। नाटक देखो सब सुख पाई की अवधारणा अंधेर नगरी के शिल्प को न भारी भरकम बनाती है, न अति नाटकीय, न अतिरंजनापूर्ण स्थितियों का घटना प्रधान नाटक। तो नाटक देखो सुख पाई, उस समय नाटक की अवधारणा क्या थी, उस समय जो थिएटर में, रंगमंच में जो लोग नाटक देखने आते थे थिएटर में, उनका उद्देश्य था कि नाटक को देखने से सुख प्राप्त होना चाहिए। लेकिन यह अवधारणा अंधेर नगरी जो नाटक है इसके शिल्प को, नाट्य शिल्प को भारी भरकम नहीं बनाती, बोझिल नहीं बनाती, न ही अति नाटकीय बनाती, मतलब सभी बहुत ही सहज और स्वाभाविक है, सरलता से इसको प्रस्तुत किया जा सकता है और न ही बहुत ज्यादा इसमें घटनाएं हैं। 6 अंक का नाटक है, बहुत ही आसानी से अभिनीत किया जा सकता है। भारतेंदु के कथा विन्यास, कथा कहने का तरीका और विभिन्न अंकों का जो संयोजन है, आपस में जो हार्मनी है, संयोजन संरचना का ही वैशिष्ट है कि इतनी संक्षिप्त कथा और प्रसंगों को लेकर नाटकीय स्थितियों और दृश्यों की रचना और संयोजन वह इस प्रकार करते हैं कि एक ओर रोचकता और जिज्ञासा बनी रहती है, दूसरी ओर अपराधी की खोज और फरियादी के न्याय पर भी ध्यान केंद्रित रहता है।
तो यह बहुत ही छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति की बकरी मर जाती है और वह जाता है न्याय के लिए गुहार लगाता है राजा के पास। तो क्या होता है, और जो चेला रहता है गोवर्धन दास, वो वहां अंधेर नगरी में रहना चाहता है, उसके गुरु मना करते हैं फिर भी। तो कोई कथावस्तु तो बहुत लंबी चौड़ी कथावस्तु नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी दर्शकों को यह शुरू से अंत तक बांध कर रखती है कथावस्तु, और उनके मन में जिज्ञासा बनी रहती है कि वास्तव में अपराधी है कौन। जो बकरी मर गई है दीवार गिरने से, तो उसका जिम्मेदार है कौन, और फरियादी को क्या न्याय मिल पाता है कि नहीं। तो यह है, बाजार और राज्यसभा के दृश्य की संरचना बहुत कठिन है। दोनों में बिखराव, एक रास्ता, पुनरावृत्ति, दोष, मिथ्या, चमक दमक आ सकती थी, पर हम देखते हैं कि ये दोनों दृश्य संकेतात्मकता, व्यंग्यात्मक टोन और प्रस्तुति पद्धति को किस तरह नई कल्पना और विस्तार देते हैं। जो बाजार के दृश्य को फिल्माना, वहां पर अभिनीत कर पाना, और राज्यसभा के दृश्य को अभिनीत कर पाना, वास्तव में साधारण निर्देशक के लिए, साधारण नाटककार के लिए कठिन होता है ना, इसको प्रदर्शित कर पाना है, इसको उसमें दिखा पाना नाटक में। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसके बावजूद भी कम दुकान दिखाए हैं, और राज्यसभा के दृश्य में बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह सिर्फ संकेतात्मक के द्वारा, सिर्फ टोन के द्वारा, लोगों के बोलने की शैली के द्वारा उन्होंने इसको वहां पर प्रस्तुत कर दिया है। तो यह एक नई कल्पना को विस्तार देते हैं। भारतेंदु ने बेचने वालों के क्रम में, मतलब कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा के लिए बहुत ज्यादा हाई फाई वहां पर सजावट की जरूरत नहीं पड़ी इनके नाटक में, और न ही बाजार का दृश्य को फिल्माने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए कोई बहुत ज्यादा सजावट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। भारतेंदु ने बेचने वालों के क्रम, जो अलग अलग व्यापारी लोग जो बेच रहे थे मार्केट में, उनकी शब्दावली, उनके निजी टोन और लय के अंतर और स्तर भेद को बनाए रखा है। मतलब कुछ लोग कम पढ़े लिखे थे, कुछ लोग अधिक पढ़े लिखे थे मार्केट में, जो अपना अपना सामान बेच रहे थे, जैसे भाजी वाला है, खाजा वाला है, तो उनके जो बोलने का जो लहजा है, जो तरीका है, पाचक वाला है। तो जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो सब व्यापारी का अलग अलग लहजा, अलग अलग टोन होता है कि कौन सा सामान बेच रहे हैं, बोलने का लहजा होता है। इस स्तर को उन्होंने बनाए रखा है। जैसे कबाब वाला मंच पर आकर सहसा बाजार दृश्य की संरचना करता है, सब जैसे कबाब वाला आता है तो कबाब कैसे बेच रहा है सबसे पहले वही आता है। भारतेंदु ने बाजार के दृश्य में संवादों के लिए लोक प्रचलित पद्यात्मक पद्धति ली है। मतलब संवादों के लिए उन्होंने जो पद्य की पद्धति होती है, कविता या फिर गाना गाकर बेचने की जो पद्धति होती है, इसका उन्होंने बाजार के दृश्य में संवादों के रूप में पद्यात्मक पद्धति का सहारा लिया है। पुरुष और स्त्री स्वरों के क्रम से इस दृश्य का आकर्षण बढ़ाया गया है। मतलब पुरुष लोगों के बेचने का तरीका अलग है, महिलाओं का सामान बेचने का तरीका अलग है, यह इसका आकर्षण है। हम अनुभव कर सकते हैं कि मुगल और जात वाला ब्राह्मण अपने प्रस्तुत क्रम से कहीं पहले एकदम शुरू में ही रखे गए होते तो अब व्यंग न उभरता। यदि हम जो जात बेचने वाला जो ब्राह्मण है या मुगल है, उनको यदि शुरू में रखा गया होता तो यह व्यंग नहीं उभरता, उनको बाद में रखा गया। जाति बेचने की अत्यंत रोचक संरचना सारी पृष्ठभूमि बन जाने के कारण ही सार्थक हुई। तो पहले उन्होंने सारी पृष्ठभूमि बना लिया कि सारी चीजें बिक रही है, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, टके शेर में सारी चीजें बिक रही। जब पूरे बाजार की पृष्ठभूमि बन गई, तब वहां ब्राह्मण आते हैं और वो कहते हैं कि मैं जात बेच सकता हूँ, किसी की जात को बदल सकता हूँ। तो यह जो व्यंग है वास्तव में कि ब्राह्मणों के वर्चस्व को दिखा रहा है कि वो चाहे तो किसी को छोटा बना दे समाज में, किसी को बड़ा बना दे। तो यह सारी पृष्ठभूमि व्यंग के कारण निर्मित होती है। भारतेंदु ने अगर हलवाई, मुगल, जात वाला को अधिक विस्तार और निरंतरता दी है तो उनकी उनकी नाट्य रचना का कौशल है। तो उन्होंने मुगल को, जात वाला को, हलवाई को अधिक ज्यादा महत्व दिया हुआ है, तो यह उनकी रचना का ही, नाट्य रचना का ही कौशल है। तो यह सारी खासियत आपको बताना है, अपने उत्तर में लिखना है। कथा विन्यास में चुस्ती, संगठन का तारतम्य, आंतरिक व्यंजनाएं अंधेर नगरी को एक पूर्ण नाटक बनाती है। मतलब बहुत ही चुस्त है उनका जो नाटक है, बिल्कुल कसा हुआ है और सभी दृश्यों में तारतम्य है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उनकी बातों में जो व्यंजनात्मक शैली में उन्होंने बातें कही है, जितने भी डायलॉग्स हैं, है ना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, व्यंजना तीन शब्द शक्ति होती है, तो व्यंजना अथवा व्यंग का प्रयोग उन्होंने किया है, और यह एक अंधेर नगरी को पूर्ण नाटक बनाते हैं। यह स्वतः ही स्पष्ट है कि राज्यसभा का दृश्य एक ही स्थान का दृश्य होते हुए बोझिल न होकर व्यंजनात्मक इसलिए बन जाता है क्योंकि उसमें निरंतर नए नए पात्रों का प्रवेश, प्रस्थान, प्रश्न उत्तर चलते रहते हैं, जिसे परिवर्तनशील गत्यात्मक स्थितियां बनी रहती है। जो राज दरबार का दृश्य है उसमें राजा और मंत्री वो सब तो रहते हैं, लेकिन अलग अलग पात्र आते जाते रहते हैं, इसलिए किसी को एक रास्ता महसूस नहीं होती, क्योंकि नए नए पात्र आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और वे अपना डायलॉग्स भी बोल के चले जाते हैं। तो इससे क्या है, एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, गत्यात्मकता बनी रहती है, क्योंकि पात्र चेंज होते रहते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि यह दृश्य लंबे समय से हम देख रहे हैं और यह दृश्य हमें बोर कर रहा है। यथार्थवादी शिल्प अथवा शास्त्रीय शिल्प के चक्कर में न पड़कर लोक नाट्य की उन्मुक्त शैली के अनुभव
अप्रयोग के कारण ही अदृश्य इतना चुस्त बन पड़ा है। हर दृश्य हर स्थिति अपने सही अनुपात में है, जिसका मुख्य कारण लोकधर्मिता है। तो मुख्य रूप से उन्होंने लोक नाट्य के रूप में इसका सृजन किया है। उन्होंने जो यथार्थवादी शिल्प है या पारसी रंगमंच का प्रभाव इस पर बहुत कम दिखाई देता है, या फिर जो शास्त्रीय जो रंगमंच था पुराने नाट्य शास्त्र, जैसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र है, तो इन्होंने कोई संस्कृत जो नाट्य शिल्प अथवा फिर पारसी नाट्य शिल्प का प्रयोग नहीं किया है यथार्थवादी नाट्य शिल्प का, बल्कि इन्होंने लोक नाट्य की जो शैली होती है, जो उन्मुक्त शैली होती है, जिससे लोग जुड़ाव महसूस करते हैं, लगाव महसूस करते हैं, इसी शैली में उन्होंने लिखा है। इसलिए उनका हर दृश्य बहुत ही चुस्त है, बहुत ही बेहतरीन बन पड़ा है, और जिस दृश्य को जिस अनुपात में होना चाहिए वैसा ही उस अनुपात में है। और इसका मुख्य कारण कि लोक धर्मिता है, लोक से जुड़ाव है, लोगों से जुड़ाव है, समाज से जुड़ाव है। तो अब हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि अंधेर नगरी का नाट्य शिल्प लोक नाटकों से प्रेरित माना जा सकता है। लोक नाट्य अथवा लोक नाटक से प्रेरित है इसका नाट्य शिल्प। मुख्य बात यह है कि इसके नाट्य शिल्प में भारतेंदु किसी विशेष पद्धति का अनुसरण नहीं करते, न मात्र प्रभाव ग्रहण करते हैं। किसी भी थिएटर से न तो उन्होंने कोई प्रभाव ग्रहण किया है, न ही कोई विशेष पद्धति का अनुसरण किया है जो समय और बाकी नाटकों में किया जाता रहा है। उन्होंने अपनी मौलिक रचनाशीलता से एक लोकोक्ति को पूर्ण नाटक का संगठित शिल्प दिया है। उनकी स्वयं की रचनात्मक शक्ति थी, उनकी मौलिक रचनाशीलता थी कि उन्होंने एक लोकोक्ति को पकड़कर, एक लोकोक्ति को ही लेकर, है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा, इस लोकोक्ति को लेकर ही पूरा नाटक का संगठित शिल्प दे दिया है, पूरा नाटक बना दिया है, जिसके पीछे सांस्कृतिक चेतना और परंपरागत आधार है। तो यह जो लोकोक्ति है संस्कृति से प्राप्त है, समाज से प्राप्त है, परंपरा से प्राप्त है। साथ ही नाटककार के युगानुरूप दृष्टि भी शिल्प का या सौंदर्य उनकी भाषा की क्रियात्मकता और नाटक के रूप विधान की स्वतंत्रता के कारण आ सका है। तो उनके समय की जो तल्ख सच्चाइयां थी, जिंदगी की जो कड़वी सच्चाइयां थी, उसको भी उन्होंने अपने भाषा के माध्यम से, व्यंग्यात्मक लहजे के माध्यम से, और अपने रूप विधान मतलब लोक नाट्य की तरह उन्होंने इस नाटक की, लोक नाट्य की स्वतंत्रता का उन्होंने अपने इस प्रहसन में प्रयोग किया है, जिसके कारण ही यह आज भी प्रासंगिक है और आज भी मर्मस्पर्शी है, और आज भी हमें उतना ही आनंद प्रदान करती है। तो इस तरह आपने देखा कि अंधेर नगरी के नाट्य शिल्प की क्या क्या खासियत है। तो यदि मेरा आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।